हम आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सीटें आती हैं उसका हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है उसका हम पूरा इसको कैसे खोलते हैं, कैसे इसको अलग अलग डायग्रामों में दिखाते हैं, कैसे नाप दी जाती है, कौन कौन सी लाइनें होती हैं। सबसे पहले जैसे ये हमारा फ्रंट है और ये अपन की साइड है और ये टॉप, इसके अंदर एग्जाम के अंदर जो आता है वो सीधा आता है कि दी गई ड्राइंग में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खींचिए। तो सबसे पहले हम सीट की पहचान करते हैं, जो आइसोमेट्रिक है उसकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट होता है, हमने फ्रंट के अंदर इसमें कलर कर दिए गए हैं, जो रेड कलर का है वो हम फ्रंट है, जिसमें लाइनिंग खींची गई रेड कलर में वो हमको फ्रंट दिखेगा, इससे हमको स्पष्ट नजर आएगा कि फ्रंट कौन सा है और क्या दिख रहा है। इसके बाद में जो बचा हुआ है जैसे साइड, इसको हमने अलग कलर कर दिया, इससे हमको दिख रहा है कि हमारी साइड है ग्रीन कलर। और जो टॉप है वो हम ब्लू कलर करते हैं, इससे हमको सब आइसोमेट्रिक देखने में सुविधा होती है कि जो ब्लू कलर का है वो टॉप है। देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले हम फ्रंट की साइज देखते हैं। फ्रंट में जो आती है सबसे पहले अपन को दो चीज ध्यान रखनी है कि लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई जो होती है वो 50 है और ऊंचाई जो होती है इसकी जो हाइट है, तो ये देखिए इसका समझने का तरीका है कि यहां से यहां तक ये 15 है, इसके बाद में ये 10 है, फिर 10 है, तो ये 35 इसकी ऊंचाई हो चुकी है। इसके बाद चलते हैं साइड पर, साइड की चौड़ाई और ऊंचाई। तो साइड की जो चौड़ाई है वो स्पष्ट दिख रही है कि 35 है और ऊंचाई सबकी जितनी फ्रंट की है उतनी साइड की आएगी। इसके बाद में बचता है जो टॉप, टॉप में अपन देखिए दो चीज आती है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई अपन की 50 और चौड़ाई अपन की 35। इस प्रकार से हम जब आपका आइसोमेट्रिक का हमको पूरा, जब हमको लंबाई चौड़ाई याद हो जाती है तो उसके बाद में हम इसको चतुर्थांक बनाते हैं। चतुर्थांक की जो मध्य लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती है, जो 0.4 mm की मानी जाती है। इसके बाद में दूसरी लाइन है प्रोजेक्शन लाइन, इससे 10 mm की खंभी लाइन होती है जो प्रोजेक्शन लाइन खींची जाती है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि फ्रंट इधर है और साइड इधर है और टॉप इधर है, तो हमको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट यदि हमारी सीधी हाथ की तरफ है तो फ्रंट यहां बनेगा, साइड यहां बनेगी, फ्रंट के ऊपर ही हमेशा टॉप बनता है। यदि फर्स्ट एंगल में है तो
विपरीत साइड में बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको फ्रंट के अंदर क्या करना है, लंबाई चौड़ाई का एक ढांचा बनाना है कि सबसे पहले हमारी कितनी है कि इस पॉइंट से यहाँ तक 50 इसकी लंबाई है और हल्की प्रोजेक्शन लाइन डाल देते हैं। ऊंचाई कितनी है 35, तो इस लाइन से यहाँ तक कोई 35 की हम एक इधर प्रोजेक्शन डाल देते। सबसे पहले हमने 50x35 का इधर हमने प्रोजेक्शन लाइन खींच दी है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां से यहां तक 50 है और कोई खड़ा प्रोजेक्शन नहीं है। अब नीचे से ऊपर की तरफ सबसे पहले है 15, तो यहां से नीचे से और 15 का पॉइंट लगा करके और 15 का प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं। इसके बाद है 10, तो वही 10 का ये प्रोजेक्शन लाइन खींच दिया। देखिए इसके बाद में और कुछ है, ये 15 है, इसके बाद 10 और शेष 10 बचा है। ये हमने 35 का सबसे पहले प्रोजेक्शन लाइन खींच दिया। अब देखिए इसके अंदर जो दिख रहा है, जो हमको रेड कलर का जो दिख रहा है, इसको हम पक्का कर देते हैं। ये प्रोजेक्शन लाइन है, इसको सबसे पहले हम पक्का कर देते हैं कि ये हमारी एक 50x15 का एक व्यू बन चुका है। ये एक नंबर। इसके बाद में आएगा दो नंबर। यहां से ये 10x50 का हमने दो, और जो शेष बचा है तो 10x50 का ही लास्ट में ये बच गया। इसके बाद हम चलते हैं साइड पर, तो साइड की हमारी चौड़ाई है 35। साइड की जो हमारी चौड़ाई है 35, वो यहीं से पॉइंट लगाते हैं 35 पर और प्रोजेक्शन लाइन खींच देते हैं। इस प्रोजेक्शन लाइन के बाद देखिए यहां से नीचे से 10 हमको, इधर से 15 है और इधर से 10 है, तो सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो इधर से है 15 है लेकिन यहां से 10 है, तो यहां से सबसे पहले हम 10 की एक प्रोजेक्शन लाइन और खींच देंगे। इसके बाद में ये 15 है, हमको आगे भी खींची हुई है। इसके बाद में ये 10 है, तो देखिए इस 10 के और इसके बीच में एक 5 का और 10 के और प्रोजेक्शन लाइन खींच जाएगी। इसके बाद 10 ये खींची हुई है और ऑलरेडी ऊपर 10 खींची हुई है। अब देखिए ये तो आड़ी हो गई, अब खड़ी देखते हैं। यहां से 35 की तरफ से 10, ये वही 10 का लगाएंगे और प्रोजेक्शन लाइन इस 10 के बाद में ये जो ऊपर है ये भी 10 है। ये भी हम प्रोजेक्शन लाइन खींच देते हैं और इधर से जो है वो 5 है, तो ये 5 का पॉइंट लगा करके ये भी प्रोजेक्शन लाइन खींच देते हैं। देखिए सबसे पहले हमको जो नीचे का है वो 35 का है, तो सबसे पहले हम नीचे 35 वाले को पक्की लाइन कर देते हैं और इसके बाद में कह रहा है कि ये ऊपर 15 चलेंगे, ये हम 15 चले। इसके बाद कह रहा है कि यहां से यहां तक 10 है, ये हमारे 10 की प्रोजेक्शन है। इसके बाद ऊपर 10, ये वाली 10, इसके बाद में ये 10, ये 15 है, इसके बाद 10, इसके बाद फिर ऊपर 10 और ये हम 15। इसके बाद में नीचे चलेंगे 15,
ये कह रहा है कि 15 चलेंगे, 15 के बाद ये 5 जो इसमें ग्रुप कटा हुआ है, नीचे 10, फिर 5 और 10, ये हमारी 60 बन चुकी है। लेकिन जो इसका ग्रुप कटा हुआ है, ये वाला जो ग्रुप कटा हुआ है, ये हमको फ्रंट में नहीं दिख रहा है, तो जो छुपा हुआ भाग है, हमारी जो लाइन है हेड लाइन, उसको हम छुपे हुए भाग को हिडन लाइन दिखाती है। जो हिडन लाइन है वो किसी भी छुपे हुए भाग को हिडन लाइन कह रही है। टोटल जो हिडन लाइन है कि किसी भी छुपे हुए भाग को दिखाती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें ये कटा हुआ भाग है। इसके बाद में देखिए, हम साइड के ऊपर 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। 45 डिग्री कोण के बाद जो भी ये कोण काटता है, उसके सारे प्रोजेक्शन सेट स्क्वायरों से इधर खींच देते हैं। इसके बाद जो हमारा ये वाला है, जो हमारी ये प्रोजेक्शन लाइन है, ये 50, ये लाइन 50 है, यहां से आता है और ये कह रहा है कि ये 15 चलेंगे। तो इसकी जो ये लाइन है ये 15 है, और वही फिर इधर से भी 15 है, और ये 50 को हम पक्का कर देंगे। ये जो सेशन ए है, ये हमारा ये बन चुका है। अब आता है बी, जो नीला वाला है। तो नीला जो बी है, इसमें ये 10 × 50, इसकी प्रोजेक्शन ये काटी है, ये 10 और ये 50। इसके बाद में ये जो सी है, ब्लॉक नंबर जो सी ऊपर से दिख रहा है, ये 10 × 50। लेकिन जो टॉप में हम साइड से जो ग्रुप कटा हुआ है, वही है कि छिपे हुए भाग को पहले भी बताया, उनका हिडन लाइन से दिखाया जाता है। इसके अंदर ये हमारा व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में जो डायमेंशन जो दिखाया जाता है, सबसे पहले वही 5 mm नीचे और एक हल्की प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं सेट स्क्वायर से। उसके बाद में पहले एक 5 mm का कोण लगा करके, फिर इसी प्रकार से और एक 5 mm का, इसी प्रकार से इसकी जो साइज है वो डायमेंशन लाइन 1:3 mm एरो, इसकी क्या साइज है, सबसे पहले 35, ऐसे इसका 5 mm, एक अंका 3 एरो, कोई 15, ये 10, ये 10। इसी प्रकार से इधर 21 में इसी प्रकार से टॉप में 10, 10, 15,
इसमें एमएम 5 एमएम, इसमें लिखेंगे यहाँ पर फ्रंट, इस 5 एमएम में फ्रंट लिख देंगे, ये साइड वही 5 एमएम है, ये टॉप। देखिए बेटा इसके बाद में हमने जो ये नापे दी गई है तो हमको इसको दिखाना जरूरी है, तो इसको वही 5 एमएम का एक और प्रोजेक्शन लाइन खींच करके इसमें लिखेंगे आर डायमेंशन इन एमएम, सभी डायमेंशन एमएम में हैं, इतना लिख करके अब हमको सिंबल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो सबसे पहले हम एक सिंबल बनाएंगे, सिंबल से प्रतीत होता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। इसके नीचे इसके एक नंबर एक सारे नाम है एमएमए में एक अनुपात एक, तो जो हमने ये खोला है इसी प्रकार से हम जो एग्जाम के अंदर आता है इसी प्रकार से आपको खोलना पड़ेगा। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है कल हम आपको जारी करेंगे, ठीक है। इसको यदि कोई समझने की त्रुटि नहीं आई है समझने में तो जो हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है कॉलेज का उस पर मैसेज डाल सकते हैं या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9785974206 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई समस्या आए तो डाल सकते हैं।